चलो मारे चलो भाई, चलो भाई। ठीक है फ्रेंड, इसकी इंजन की चारों स्लीव नई लगवा दी थी और एक पिस्टन इसका पुराने वाला मिला है, नए वाला मिले नहीं। ठीक है फ्रेंड, जो इंटरकूलर मॉडल का आता है पुराने वाला मॉडल का ही मिला है तो उसको लगा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसकी पूरा इंजन को वॉश करके अब लगे हैं, इंजन को पूरा फिट कर रहे हैं, इसका सारा इसका पार्ट वगैरह क्लीन कर लिया है, तो इसकी चारों स्लीवें नई लगवाई है। ठीक है, क्रैंक का कुछ भी कोई काम नहीं कराया, क्रैंक बिल्कुल ओके थी, बस ऑनली इसकी चारों स्लीव नई लगवाई है लाइनर, ज़्यादा खर्चा नहीं इस पर कर रहे हैं क्योंकि बाकी इंजन को कुछ भी नहीं हुआ, ऑनली इसका एक चार नंबर का पिस्टन सीज हुआ था, आपने देखा ही है वीडियो में, क्रैंक के एक नंबर है इसकी। ठीक है फ्रेंड, बाकी इंजन को पूरा वॉश कर लिया है, तो हेड वगैरह भी पूरा क्लीन कर लिया है, हेड की टैप टैप वगैरह बिल्कुल ओके है। ठीक है फ्रेंड, ना कोई हेड का वाल वगैरह काम करवाया, हेड भी पूरा बस ओनली इसको हेड को वॉश करवा के डीजल से पानी से धोकर फिट कर दिया है, और बाकी ये रहे इसके पिस्टन, ये रहे इसके तीन पिस्टन टोयोटा के, इसमें हमने इसमें रिंग नए डाल दिए उषा कंपनी के, ये देखो। ठीक है फ्रेंड, इसका प्राइस देख लो रिंग का 4312 रुपये। तो ठीक है फ्रेंड, ये इसके रिंग है और एक इसका ये रहा पिस्टन पुराने वाला। ठीक है फ्रेंड, तो ठीक है फ्रेंड, एक पिस्टन इसका पुराने मॉडल का डाल रहे हैं, पुराने मॉडल से खराबी से ये करवाना पड़ा। ठीक है फ्रेंड, पिस्टन को अंदर से पूरी इसकी जो खुद्दी होती है उसको इसको खराद पर इसको सैज करवाया, देखो ये इस तरह का होता है इसका पिस्टन, पहले वाला ओरिजिनल पिस्टन इस टाइप का था, तो अब वाला पिस्टन जी इस टाइप का है। ठीक है, इसको अंदर से खरादी ने बोला इसको ऐसे करना पड़ेगा क्योंकि ये नए मॉडल के पिस्टन मिल नहीं रहे, बहुत जगह पता किया, चार पाँच दिन ख़राब हो गए, बट ये पिस्टन इसका इस टाइप का पिस्टन मिला नहीं इस इंटरकूलर मॉडल का, तो ये पुराने मॉडल का नॉर्मल इंजन का पिस्टन अब इसमें लगा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी आप वीडियो के स्टार्टिंग में देख लेना इसकी स्टार्टिंग कैसी है, आवाज़ कैसी है। तो ठीक है फ्रेंड, तो बाकी ये पिस्टन बिल्कुल ओके है, बस ओनली इस चीज़ का फ़र्क था इसमें, बाकी पुराने मॉडल का पिस्टन में और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको भी ये नए मॉडल का पिस्टन नहीं मिल रहा तो आप ऐसे इस तरह पिस्टन को करवा के गाड़ी में लगा सकते हैं पुराने मॉडल का पिस्टन। तो ठीक है फ्रेंड, बाकी पिस्टन सेम है, ओरिजिनल पिस्टन है टोयोटा का, तो अब इसको करेंगे सेम, सब कुछ कट वगैरह सब कुछ सेम है। सेम साइज होता है इसका, ठीक है फ्रेंड, सेम साइज है, कोई साइज का फर्क नहीं। ठीक है फ्रेंड, चार नंबर में पिस्टन बिल्कुल ओके है। तो ठीक है फ्रेंड, बाकी ये रहे इसके पिस्टन रिंग उषा कंपनी के, बाकी पिस्टनों में हमने रिंग लगा दी है, ओनली ये वाले पिस्टन के रहते हैं लगाने वाले। उषा, तो बाकी कनेक्टिंग रॉड का कट आपको बता दूँ किस जगह रखना है। तो ठीक है फ्रेंड, ये पिस्टन देख सकते हैं और ये पिस्टन देख सकते हैं, इसका जो मक्खी होती है ये ऑयल सेपरेटर की तरफ आ नहीं है। ठीक है फ्रेंड, दे रहा ऑयल सेपरेटर का कट पिस्टन पर और ये रही इसकी मक्खी वाली कट कनेक्टिंग रॉड की, दूसरी तरफ आ नहीं है। ठीक है फ्रेंड, इस तरह कनेक्टिंग रॉड फिट होनी है। ठीक है फ्रेंड, ये देख सकते हैं आप, दे रहा इसका कट, ठीक है फ्रेंड,
ये रही इसकी पिस्टन का कट ऑयल सेपरेटर का, और ये रही इसकी कट। तो ठीक है फ्रेंड, बस करते हैं इसको पिस्टन को चारों को रिंग में डालते हैं और करते हैं स्लीपों में फिट। तो भैया तीन इसके पिस्टन हमने डाल दिए हैं और चार नंबर का रह गया ओनली, बाकी तीन नंबर के पिस्टन की फिटिंग बिल्कुल एक नंबर आ गई है, बिल्कुल ओके है। अब रह गया चार नंबर वाला। तो ठीक है फ्रेंड, ऑयल सेपरेटर ऊपर की तरफ है तो पिस्टन का कट जो होता है वो ऊपर तरफ आना है, और उसी तरफ ये जो इसका कनेक्टिंग रॉड की मक्खी होती है वहाँ आनी है ऊपर की तरफ ही। बाकी दिखा दें आपको, ठीक है फ्रेंड, ऑयल सेपरेटर का कट दूसरी तरफ है पिस्टन का, उस तरफ ऑयल रिंग नहीं रखना है, और टॉप रिंग भी यहाँ और ऑयल रिंग भी यहाँ, ठीक है फ्रेंड, और टेम्परेचर रिंग यहाँ। ऑयल सेपरेटर का कट ये रहा, मक्खी इसकी ऑयल सेपरेटर की तरफ ही है। हेलो, हाँ फोटो मैं भेज देना, मैंने मैसेज कर दिया, मैं खींची फोटो। हाँ ठीक है, और रिंग टॉप रिंग और सेपरेटर का कट दूसरी तरफ, टेम्परेचर रिंग का कट दूसरी तरफ। हेलो, ठीक है मैं काटना थोड़ा जल्दी मिलते हैं, ठीक है कट मक्खी और पिस्टन का कट और सेपरेटर का, ठीक है ऊपर की तरफ आना है ये। ठीक है फ्रेंड, ऑयल सेपरेटर ऊपर की तरफ आना है, तो ऊपर की तरफ ये एक मक्खी आ गई है इसकी, और पिस्टन कट भी ऑयल सेपरेटर की तरफ आ गया है। अब लगाते हैं इसका कैप कनेक्टर, ठीक है फ्रेंड। इसके टैपट कैप टैपट बिल्कुल ओके थी, पहले वाले नंबर पर ही है, उसका हेड का हमने कुछ नहीं करवाया ओनली, अब इसका पिस्टन रिंग पूरा फिट हो गया, अब लगे इसका हेड गैस कट करने। तो हेड गैस का देख लो, ओरिजिनल टोयोटा का हेड गैस कट है, इसका प्राइस है 3114 रुपये, ठीक है फ्रेंड 3114 रुपये। बहुत ज़्यादा इसका रेट है हेड गैस कट का, बाकी ठीक है कंपनी के हिसाब से, ओरिजिनल तो फिर इतने के मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, ये है ओरिजिनल टोयोटा का हेड गैस कट। तो ठीक है फ्रेंड, इस तरह आना है ये अक्षर वाले पास से ऊपर की साइड आनी है। Thank you.
तो ठीक है फ्रेंड, इंजन पूरा कंप्लीट कर दिया हमने, पूरा सब कुछ इसका लग गया। अब लगे हैं गाड़ी में रखने। ठीक है फ्रेंड, गाड़ी में रख के पूरी इसकी फिटिंग करके फिर आपको दिखाते हैं इसकी मार्केट सेल्फ, और देखते हैं इसकी इंजन की आवाज़ कैसी है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड इंजन ऑयल भी इसमें पड़ गया और बाकी की फिटिंग भी यदि काफ़ी हो गई है, और बाकी फिटिंग बाद में करते हैं। पहले इसकी कड़ा निकालते हैं, इसके इंजेक्टरों की एयर एक बार करते हैं इस गाड़ी को स्टार्ट, तो फिर बाकी की फिटिंग बाद में देखते हैं। ठीक है फ्रेंड, बाकी की मेन फिटिंग इसकी हो गई है स्टार्टिंग के रिलेटेड, बाकी काफ़ी अभी इसकी फिटिंग पड़ी है। तो ठीक है फ्रेंड, अभी निकालते हैं इसके इंजेक्टरों की एयर, बाद में लगाते हैं इसके इंजेक्टर के कैपलर। बाद में कैपलर इसलिए लगाने क्योंकि यहाँ चाबी डालना आसान हो जाएगा, पहले भी लगा सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं। तो चलो मारे चल भाई, चलो भाई। ठीक है फ्रेंड, पंप इसका भारी है पूरा, हैंड प्राइमर। तो चलो भाई, बहुत ज़्यादा इसका इंजन हिलता है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा ना इसका इंजन का। चलो भाई, अभी पूरी रेल खाली है ना, इस करके भरने में टाइम लगेगा। चल चल, हाँ आ गया, एक नंबर में तेल आ गया। चल भाई, आ गया तेल एक नंबर में आ गया। बस दो नंबर में भी आ गया करके टाइट। चल भाई, तीन और चार का रह गया। चल भाई, चल चल आ चला। चल बस बस, कर्म ही नहीं करना ना उसे करे। रह गया चार नंबर का। चल भाई, रुक जा रुक जा रुक जा एक मिनट। चल भाई, रुक 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 एक मिनट। चल
एक मिनट, चल भाई नीचे से पैक होगा, चल थोड़ा सा और, बस अब लगाते हैं केपलर। हाँ जी उधर और प्रेज लाइट आ गई, वीडियो बना दी, वीडियो वैसे मैं नाम मारी आ गई, ऑल प्रेज लाइट देख ली बंद होंगी, लो भी मारते हैं सेल्फ इसकी, तो चलो नीचे चेक कर लेंगे। चल भाई वाओ क्या बात है, स्टार्टिंग एक नंबर है, ऐसा लगा जैसे इंजन किया ही नहीं इसका। बुझ गई लाइट, तो ठीक है फ्रेंड, टर्बो भी पूरा वर्क कर रहा है और स्टार्टिंग इंजन की एक नंबर हो गई है। स्टार्टिंग तो ऐसे हुई स्टार्ट जैसे गाड़ी का इंजन किया ही नहीं, स्टार्टिंग तो एक झटके में स्टार्ट हो गई है। तो ठीक है फ्रेंड, ये इंजन हमने सस्ते में किया है, देख लो इसकी स्टार्टिंग, बार फिर बंद करके ठीक है फ्रेंड, एक झटके में स्टार्ट हो रही है ये गाड़ी। टर्बो इसका वर्क कर रहा है, टर्बो कोर भी हमने इसकी नहीं डाली है। तो ठीक है फ्रेंड, स्टार्टिंग इसकी एक नंबर हो गई है। स्टार्टिंग तो ऐसे स्टार्ट हुई जैसे इसकी इस गाड़ी का इंजन हमने किया ही नहीं, एक झटके से गाड़ी इसकी स्टार्ट हुई है। तो ठीक है फ्रेंड, बाकी टर्बो वगैरह इसका काम कर रहा है, तो अब इसकी बाकी की फिटिंग करके पूरी पानी वगैरह कूलेंट वगैरह पाइप लगा के रेडिएटर लगा के, तो फिर इसको करते हैं एक बार रमा थोड़ा सा, आधा दिन 3-4 घंटे इसको रमा करेंगे, बाकी की फिटिंग करके फिर गाड़ी को बाद में आपको दिखाते हैं इसकी सिलम मार के। तो हमने इसका इंजन किया सस्ते में, एक पिस्टन इसका सीज था, पहले आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, टक टक की आवाज़ आ रही थी, अब आवाज़ बिल्कुल एक नंबर बन गई है। तो ठीक है फ्रेंड, करते हैं इस गाड़ी का बाकी की फिटिंग। दोस्तों गाड़ी हमने पूरी कंप्लीट कर दी है, इसका इंजन की फिटिंग ऑल पूरी नीचे से ऊपर से पूरी इसकी फिटिंग कर दी है, सारे इसके नट बोल्ट टाइट हो चुके हैं, बॉन्डर वगैरह लग गया, और इसकी हमने टेस्ट ड्राइव भी बिल्कुल ले आंदी है, और पिकअप वगैरह बिल्कुल ओके, नो कोई स्मोक नहीं का ठीक है सर फ्रेंड, और कोई इसकी लीकिंग वगैरह नहीं पानी की और डीजल की ऑयल की कोई लीकिंग नहीं, आवाज़ इसकी एक नंबर बनी है ठीक है फ्रेंड। तो बाकी आपको मार के दिखाता हूँ इसकी सेल्फ ठीक है फ्रेंड, हमने इसका किया इंजन सस्ते में, तो बाकी सब कुछ इसका फिट हो गया ठीक है फ्रेंड। तो कोई इसके इंजेक्टर वगैरह नहीं हमने करवाए, एक नंबर काम हो गया इसका, बाकी सारी इधर से पूरी इसके पाइप जो वैकम वाले पाइप वगैरह होते सब लग गए हैं, कोई इसकी लीकिंग नहीं ठीक है फ्रेंड। तो दिखाते हैं आपको इसकी मार्केट सेल्फ, करते हैं स्टार्ट गाड़ी को, आवाज़ चेक करना दोस्तों, ठीक है फ्रेंड गाड़ी एंड प्रोडक्ट से स्टार्ट हो रही है और आवाज़ इसकी बहुत अच्छी बनी है। कोई इंजन में मिसिंग नहीं, कोई हंटिंग नहीं, एक साथ टिक के इंजन चल रहा है, एकदम एक जगह टिक के चल रहा है, बस आप गाड़ी को वॉश करवाना है और इसका डेंटिंग पेंटिंग का काम चल रहा है तो वो करवा रहे हैं इसके मालिक, बाकी इसकी आगे से पूरी इंटरकूलर वगैरह की पूरे इसके पाइप वगैरह क्लीन करके लगा दिए, आवाज़ बहुत अच्छी बनी है गाड़ी की। सभी इसके नट बोल्ट टाइट हो चुके हैं, टर्बो कोर इसकी नहीं डाली है, वो भी बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ओके इसकी पिकअप है, कोई स्मोक नहीं, तो एक्सीलेटर देके दिखाते हैं आपको,
ठीक है फ्रेंड, ओके रिपोर्ट। इसकी एक्सीलेटर रेस देंगे। तो ठीक है फ्रेंड, बिल्कुल ओके है। मार फिर बंद करके सेल्फ। ओके यार, ठीक है, बस रख दे बनट। तो ठीक है फ्रेंड, तो हमने इसका इंजन किया सस्ते में, तो कम खर्चे में, तो गाड़ी एक नंबर हो गई है। इसका एक पिस्टन सीज हो गया था, बाकी टक टक की आवाज आ रही थी। खोलने से पहले मैं वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि मेरा इरादा नहीं था वीडियो बनाने का, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले ही टोयोटा इनोवा पर दो इंजनों की वीडियो डाल चुका हूँ, तो मैंने कहा चलो सोचा इसकी भी बनाई जाए। तो ठीक है फ्रेंड, टक टक की आवाज आने लगी थी, ये गाड़ी ओवरहीट हो गई थी, इसका पानी वगैरह लीक कर गया था, तो अब ये गाड़ी बिल्कुल ओके है। ठीक है फ्रेंड, बाकी मैंने पहले भी एक इनोवा क्रैंकशाफ्ट सीज हुई थी, उसकी भी मैंने वीडियो पहले डाली हुई है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। और एक इनोवा और है, उसके हाई प्रेशर पंप की प्रॉब्लम थी, वो भी मैंने डाली हुई वीडियो, वो स्टार्टिंग की प्रॉब्लम, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं इनोवा पर, तो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मेरा ये काम कैसा लगा सस्ते में और आवाज़ इंजन की, तो मुझे कमेंट करके वो भी जरूर बताना। ठीक है फ्रेंड, तो ठीक है फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।